एकदम से हिंदी शुद्ध हिंदी में तो कुछ याद ही नहीं आता है मेरे को. आता है तू वाली मेरा क्या बोलते हैं एस्थेटिक मत बिगाड़, फिर मैं तो बिगाड़ूंगी. रोल कैमरा एक्शन. ओके हेलो गाइस वेलकम बैक. रुक जा स्टार्ट करो. हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज मी संध्या और आज हम लोग करने वाले एक फन चैलेंज वीडियो. मैं पहले अपनी फ्रेंड से आपको मिलवाना चाहती हूँ. हेलो इनका नाम है सिमरन. मैं नहीं बोलूंगी. और मेरे चैनल का नाम एक्चुअली अंजली है और सभी लोग मुझे अंजली ही समझते हैं. इसलिए मैंने इसको बोला तू कब से बोलने लग गई. सो हम लोग साथ में कोलैबोरेशन वीडियो कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरे साथ कोई है कोलैबोरेशन वीडियो में. और मैंने सोचा अपनी फ्रेंड से ही स्टार्ट करना चाहिए और बिकॉज ये एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है और मेरे एक छोटे से चैनल पे है ना, तो मुझे थोड़ा सा है ना पूछने में अंदर से कभी मतलब हिचक लगी थी, इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं था. सो ये पहली बार हुआ है कि तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं. कितने एक्सप्लेनेशन दे रही है तू. तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कितने. मैं नहीं बता रही, बंद करो उसको. मैं बता. सो गाइज हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं और हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स की है. तो हम लोग करने वाले हैं एक कोलैबोरेशन. हम लोग बहुत दिनों से एक्चुअली सालों से प्लान कर रहे थे और जब हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे तो इनिशियली किसी को पता नहीं है, बट हम दोनों ने साथ में ही सोचा था कि याद होगा वो दिन जब मैं तेरे घर पे आई थी तब अपने साथ में सोचा था कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे. बट वो हम फिर उसके बाद हम भूल गए. मैंने कि आज हमने सोचा बहुत दिनों के बाद में दे रहा है फन चैलेंज कर रहा है तो हम लोग एक फन चैलेंज करने और अभी अभी एक वीडियो बनाया कि हमने है ना फिनिश किया है जो कि अंजलि के चैनल पर रहने वाला है, आई मीन सिमरन के चैनल पर रहने वाला है. और ये एक फन चैलेंज जो हम कर रहे हैं ये मेरे चैनल पे आपको देखने मिलने वाला है जो कि आप अभी देख रहे हो. सो मेरे जो चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सो दैट आप ये वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर. तो वीडियो बता दे आजकल कैसे होने वाला है. ठीक है. सो हम लोग जो है वो चैलेंज कर रहे हैं उसका नाम है से एनीथिंग चैलेंज, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. जो इनको नहीं समझ आया लेकिन मैं इसको जरूर समझा के बताने वाली हूँ ताकि ये वीडियो को अच्छे से कर सके और हम भी करें. और हम लोग को करना ये है कि से एनीथिंग का मतलब ही होता है कि आपको कुछ भी बोलना है. ऐसा होने वाला है कि अगर आप बीच में अटकते हो तो आपके फेस के ऊपर इसमें वैसे तो है ना सेलो टेप लगाना पड़ता है लेकिन हम लोग लगाने वाले हैं लिपस्टिक. तो हमारे पास है लिपस्टिक. हम लोग लिपस्टिक से है ना फेस के ऊपर मार्क करेंगे जो होने वाला है इसमें आउट. लेकिन और जिसके फेस पे ज्यादा मार्क्स रहेंगे उसको ये पनिशमेंट लास्ट में मिलने वाली है. सो ऐसा है कि अब आपको मैंने बताया कि से एनीथिंग चैलेंज है पर कहना क्या है. सो इसमें हम कुछ भी कह सकते हैं और हम लोग रैंडमली स्टार्ट करेंगे कोई भी चीजों का नाम लेना और जो बीच में अटक जाएगा किसी ने अगर एक सेकंड का भी पॉज लिया तो तुरंत ही उसके फेस के ऊपर लिपस्टिक का एक मार्क आने वाला है. सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो एक और एक ये है कि इनिशियली अपन थोड़ा सा टास्क को हार्ड रखते हैं फिलहाल. नहीं ठीक है ठीक है, स्लो से स्टार्ट करते हैं. पहले एनीथिंग से स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि मुझे गेम उतने अच्छे से समझा नहीं है तो पहले तू स्टार्ट कर. ठीक है. सो हम लोग चैलेंज स्टार्ट करते हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा था से एनीथिंग चैलेंज. आप कुछ भी बोलेंगे और कोई भी वन सेकंड का भी पॉज लेता है तो फिर उसके बाद हम लोग लिपस्टिक का एक मार्क उनके फेस पे लगाएंगे और अगर आपको नहीं समझा तो देख लो आगे समझ जाएगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. कैट. नोज. माउस. ट्राइपॉड. क्रिकेट. मोबाइल. ये मेरे को समझ गया. नहीं पर एकदम बड़ा लिया ना हमने. यस मेरी इच्छा में कैसे भी कोई नहीं ना बड़ा बड़ा बनाएंगे तो फिर फेस ही खराब देखेंगे तो कुछ नहीं होता संध्या तो इतना मत. चलो मेरे फेस पे एक हार्ट बन चुका है. अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करना है. हेयर. नेल्स. चिट. आउट. आउट. शिट. वन मार्क गया. देखा ना अभी देखो आपको कितना मजा आने वाला है. जैसे करने वैसे बने. मैं भी हार्ट बनाऊंगी. छोटे सा बनेंगे. मैं एस्थेटिक नहीं बिगाड़ना चाहती तेरे चेहरे का. ठीक है. लिपस्टिक. शेड. लिपस्टिक. पेन. लेकिन हम रिपीट कुछ भी नहीं कर सकते. इफ हम रिपीट करेंगे तो वो भी एक मार्क करेगा बट हम जाने. लिपस्टिक देख रही तो लिपस्टिक ही बोल रही हूं. ओके तो हमने रिपीट नहीं करना है और हम रिपीट नहीं करेंगे. स्टार्ट करते हैं अगेन. आई.
बैग हेयर ब्रेसलेट सामने देख बोला ना मैंने ये नहीं बोला क्या है चैलेंज करें क्या से एनीथिंग ओके से एनीथिंग रियली एट में तो बाद में से एनीथिंग ओके मेरे को टेंशन आ रहा है स्टार्ट करें हाँ 3, 2, 1 पाउडर विंडो ब्लैक ब्लू ड्रेस क्यू बैग नहीं बॉक्स हाँ कार्डबोर्ड ओ नो वाओ गेट आउट चल रहा नो वे नहीं फ्रेम ये क्या हो रहा है आ गई तू मुझे भी समझ नहीं आ रहा नो वे अरे अरे नो 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 क्या 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 फैन कुत्ता यार ये कितना डिफिकल्ट माय गॉड एक्चुअली से याद ही नहीं आ रहा है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वोकैबुलरी फिनिश हो चुकी है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है बट आई एम सो सॉरी मैं नो मैन तू वाली मेरा क्या बोलते एस्थेटिक मत बिगाड़ तो मैं तो बिगाड़ूंगी ये मेरे को बहुत नजर आ रहा है सच ऑकवर्ड मोमेंट ये राउंड 3 मुझे बिंदी कभी भी नहीं अच्छी लगती है राउंड 3 और 4 है ना मुझे बिंदी अच्छी नहीं लगती और दिस इज ऑकवर्ड मोमेंट कि मैं पूरे वीडियो में अपने ऐसे रह रहा हूं मैंने तो इनिशियली लगाना चाहिए चलिए स्टार्ट करें आर यू श्योर अब मेरा लग रहा कि ये गेम बहुत खेलूं रियली यस ठीक है स्टार्ट करें फिर से 3, 2, 1 अलमीरा टी शर्ट ब्लैक बोर्ड पंखा नो बैग यस चादर बटरफ्लाई कुछ भी मत बोल पैंट्स नाक गेट आउट यार सही में यहाँ पे चीजें ही नहीं है समझ ही नहीं आ रहा कुछ चलो अब एक मांग गया अंजुल तिवारी शब्द भी रिपीट हो रहा है आई विल डू द सेम नहीं ओह शिट कितनी है तू चीजें खत्म हो गई हमारे घर की जो हम बोले अभी अभी हम लोग थोड़ा सा इसको है ना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं क्या करना है फ्रूट्स लेंगे ओके वैसे तो लोग बहुत एस्थेटिक तरीके से खेलते हैं चीट्स बना के बट हम बहुत रैंडम तरीके से खेल रहे हैं क्योंकि हमने पहली बार खेला है तो हम लोग बस मजे कर रहे हैं मेरे फेस को तो इग्नोर करते फ्रूट्स नेम लेते हैं ओके स्टार्ट करते हैं फ्रूट्स नेम ओनली इन हिंदी ओके कौन पहले बोलेगा मैं फ्रूट्स नेम ठीक है 3, 2, 1 केला बनाना ये मांगे कि दूसरा कुछ हाँ फ्रूट नेम ठीक है सेब केला नाशपाती अनार पाइनएप्पल अंगूर इंग्लिश में बोला मैंने तभी भी तूने तब नहीं तूने क्या किया इंग्लिश में बोल दिया था मैंने कब बोला जब भी बोल दिया था क्या बोला पाइनएप्पल ओह शिट मैंने नहीं था चल ठीक है देर आए दुरुस्त आए काजल लगाएंगे फेस पे तो नहीं फेस अच्छा नहीं दिखेगा सेलोटेप अच्छा दिखेगा अब ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है चल बताओ अब क्या होगा अभी क्या लेंगे नाम अभी कोई भी रैंडम थिंग बट ओनली इन हिंदी शुद्ध हिंदी माय गॉड थोड़ा याद ही नहीं आता मुझे तो इतनी शुद्ध हिंदी में कभी भी अब तो तू गई ना तुझे कौन सा याद रहता है हिंदी में बताना चावल मेज गेहूं कुर्सी बनाना अरे यार मैं ही क्यों हार रही हूँ समझ ही नहीं आ रहा है तू क्यों नहीं हार रही है क्योंकि तू बहुत बेवकूफ है ये गेम तेरा था बट जीत मैं रही हूँ ओह माय गॉश मैं ही हारने वाली हूँ ऐसा लग रहा है कहीं पे भी एक क्रॉस दिस पे तो बनता है क्यूट लग रही है चल बता अब तू बता लास्ट ठीक है मेरा ही गेम है लेकिन मैं हार रही हूं मुझे बहुत अजीब लग रहा है मेरा ऐसा लग रहा है ये गेम मेरे चैनल पे होना चाहिए था मैंने कभी भी नहीं किया था ये सिर्फ सोचे तो मैंने सोची थी इतना इंटरेस्टिंग रहेगा बोलो अभी हिंदी हिंदी में नहीं करते अब जिसके मन में जो भी आएगा वही करने वाले हैं बोलेंगे क्योंकि इससे नहीं हो पाएगा मैं तो होऊंगा ही नहीं सही हो पाएगा सो अपन है ना एक काम करते हैं कि क्योंकि इंग्लिश में मैं नहीं बोल पाऊंगी हाँ नहीं नहीं कोई भी नाम लेना है अपने को एनिमल्स के लेते हैं ओके हिंदी में हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा पर रिपीट नहीं होना चाहिए ओके स्टार्ट करते हैं कैट कुत्ता बिल्ली कैट हो गया ना रिपीट यार मैं पूरा हार गई चल ठीक है एक लास्ट और रखते हैं ठीक है व्हीकल्स का नाम लेते हैं देर से स्टार्ट करते हैं पहले मोटरसाइकिल शेप साइकिल एरोप्लेन
शेप अलग होता है और अपन अलग होता है ना. अब तू जो रुकी नहीं, नहीं, नहीं तो मैं नहीं ये सोचना ही नहीं था. छोटा करना पहले मेरे फेस पे बहुत कम है. नहीं मैं क्रॉस लूंगी बस. इतना बड़ा और अभी आखिरी फिनिश करते हैं कि तो आखिरी तो ही जीतने वाली है वैसे भी. तो वैसे भी मैं जीत चुकी हूँ. ठीक है क्या पनिशमेंट देना तो चाहिए? देखो इसके फेस पे कितने हैं? मेरे फेस पे एक दिल है, दो क्रॉस है. क्लियरली विनर आपकी नजरों में कौन है? कौन है पता है सबको. तो अब पनिशमेंट क्या देना है देखो. तो मैं तुझे एक अदरक का टुकड़ा दूंगी जो कि खाना है बस. सिंपल, इतना सिंपल पनिशमेंट. हाँ क्योंकि मेरे साथ फिर मैं कुछ ऐसे हार्ड दूँ और फिर तो डबल चैलेंज ही कर लेना है मेरे घर. मुझे वाकई में कोई वर्ड्स बोलने नहीं आएंगे यार. इतना कुछ मतलब मेरे वोकैबुलरी कम पड़ रही है इसके सामने. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा. मीनवाइल सो मैडम के लिए हमने अदरक लाया है तोहफे के तौर पे. चलिए इसे कंज्यूम कीजिए. खाना चबा अच्छे से चबा. ये वाओ. अरे दिखाओ एक्सप्रेशन. ये अदरक नहीं खा सकती थी मुझे पता था. खाना अदरक और लहसुन अगर डालती तो इसके मुंह में क्या बोलते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बन गया होता. पानी चाहिए? नहीं थोड़ा चबा ले और. सॉरी मैं पानी लेके आती. रुक. मजा आ गया मेरे को. सॉरी पर अदरक खा सकते इतना कुछ नहीं है. मैं तो यूं खा लेती थी हमेशा. याद है गुड़ के बिना नहीं खा सकते यार. किसके बिना? गुड़ के बिना कैसे खाएंगे अदरक. अच्छा लग रहा ना. अब करेंगे ना और चैलेंज? अब और करूंगी लेकिन अब ये चैलेंज करूंगी. अब तो रिवेंज लेने के लिए तैयार है यार. कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज सब लोग है ना कमेंट करके बताना. आई नो कि ये वीडियो है ना सबको वाकई में अच्छा लगा होगा और इस मुझे भी लगता है सबको अच्छा और फन लगा होगा ये वीडियो क्योंकि हमें ही बहुत मजा आया इस वीडियो को करने में. प्लीज है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना फॉर वॉचिंग सच वीडियोज. और सिमरन का भी चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी तो मेक श्योर आप वहाँ पे भी चेकआउट कर लेना. हमने वहाँ पे भी वीडियो किया. वहाँ पे भी वीडियो किया है. वो बहुत सीरियस वीडियो है. सो ये वाला वीडियो जितना फन था और वो उसका अपोजिट है. सो मेक श्योर वो वीडियो भी देख लेना. एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो अगर आपने पूरा एंड तक देखा है यहाँ तक के तो. और इग्नोर माई फेस और ऐसे वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करके बताना. अगर कोई चैलेंज आप चाहते हो कि हम दोनों साथ में करें तो और चैलेंज मेरे साथ बिल्कुल करना चाहेगी अगर करना चाहेगी तो बताओ मैं सोच के. ओके जिसमें ऐसे बदला लेने का मिले ना मैं खुशी खुशी करूंगी. मैं तो मालूम है क्या अगर इसके बाद कोई चैलेंज करना रहा ना पहले से प्रिपरेशन करके आएंगी. अब बिल्कुल नहीं हारना चाहूंगी मैं तो. देखते हैं. मेरे साथ ऐसा कि वो मुझे ये नहीं समझ आया लेकिन कि मैंने ही ये सोचा और मैं ही हार गई क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी ये सच को. तो मैंने कहा दिया था कितने दिन पहले डिसाइड किया था. मैं अटक रही थी नहीं था. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और प्लीज देखना जरूर मेरा भी चैनल. एंड मिलते हैं हम लोग.